उमर रियाज को शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए। दरअसल कल जो है लाइव फीड में तेजस्वी, करण, उमर जो है लगातार काफी मस्ती कर रहे थे। देर रात तक इन सभी की मस्ती चल रही थी। वहीं करण ने तेजस्वी को गोदी में उठा लिया। उमर जो है तेजस्वी करण के रिश्ते को लेकर उनकी टांग खिंचाई कर रहे थे। तेजस्वी ने उमर से पूछा कि तू सिंगल है, जिस पर उमर ने कहा कि हाँ मैं सिंगल हूँ। लेकिन बाद में ये पूछती हुई नजर आई कि अच्छा ये तो बता तुझे लड़की कैसी चाहिए, जिस पर उमर ने कहा कि मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो पापा के पैसों पर पली बड़ी परी ना हो, जो एम्बिशियस हो। मैंने देखी है लड़कियां जो 12-12 बजे जो है मतलब पापा के पैसों पे पली बड़ी होती हैं, पढ़ाई कर ली होती है, लेकिन एम्बिशन कुछ नहीं होता है। तो मुझे ऐसी चाहिए जिसके एम्बिशन हो, जो जिंदगी में कुछ बनना चाहे, और मैं चाहता हूँ कि वो जो है देखने में कैसी भी क्यों ना हो। मैं किसी के चेहरे पर नहीं जाता। मैंने बहुत देखे हैं जो चेहरे पर जाते हैं और बाद में सब खोखले निकलते हैं, क्योंकि अब जो है मैं छोटे मोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा, यानी कि उनके कहने का मतलब था अफेयर्स के बारे में। उन्होंने कहा अब मैं सीधा अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही सोचता हूँ, अगर किसी से मिलता हूँ या कभी किसी के बारे में सोचता हूँ। और मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि जब वो मेरे साथ खड़ी हो, मतलब वो जो कपड़े पहने वो सलवार सूट बहुत क्लासी सी हो, और अगर वो ऐसे कपड़े ना पहने कि मुझे उसके साथ खड़े रहने में अनकंफर्टेबल महसूस हो। मतलब दरअसल कल जो है नेहा ने जो कपड़े ट्राई किए उसके बाद उमर बताते हुए नजर आई कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल होगा अगर मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे कपड़े पहनेगी। मैं तो कहूँगा थोड़ा ढक ले, लेकिन नेहा को मानना होगा वो बहुत क्लासी भी लगती है और बहुत अच्छे से कपड़ों को कैरी भी करती है। तो उमर जो है ये दोनों बातें करते हुए बात कर रहे थे तेजस्वी और करण से, लेकिन साथ में वो कह रहे थे कि उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो एम्बिशियस हो, अपने पैरों पर खड़ी हो और कुछ बनने का सपना जो है वो जिंदगी में रखती हो।